पाठगत प्रश्न 17.1 दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, देवता जब अकेले छूट गए उनका ध्यान तरुणों पर गया क्योंकि क, वे सड़कों पर घूम रहे थे, ख, वे नाटक देख रहे थे, ग, वे कविता सुन रहे थे, घ, उन्होंने वृद्धों का स्थान ले लिया था। इसका सही उत्तर है घ, उन्होंने वृद्धों का स्थान ले लिया था। दो, वृद्ध बातें करते करते एकदम उदास हो गए थे क्योंकि क, उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, ख, उन्हें प्रकाशक रॉयल्टी नहीं दे रहा था, ग, वे देवता बने मंदिर में सजे थे और युवा आनंद मना रहे थे, घ, वे संगीत सभा का आनंद नहीं ले पा रहे थे। इसका सही उत्तर है ग, वे देवता बने मंदिर में सजे थे और युवा आनंद मना रहे थे। तीन, तरुणों ने वृद्धों को किस रूप में प्रतिष्ठित कर दिया? इसका उत्तर है देवता रूप। चार, युवकों ने वृद्धों को कर्मशील बने रहने के लिए क्या सलाह दी? इसका उत्तर है आपस में स्वस्मरण सुनाए, बाद में किताबें प्रकाशित हो जाएंगी। पांच, वृद्ध सबसे अधिक किस बात पर क्षुब्ध थे? इसका उत्तर है अपना अधिकार युवकों के हाथों में चले जाने पर। अंश दो, उपसंहार। अंत में देवताओं ने सलाह करके जो निष्कर्ष निकाला वह शाम को युवकों के आने पर जाहिर हुआ। जैसे ही युवक थाल में मिठाई सजाकर लाए तो देखा कि देवता लोग चबूतरे पर खड़े हैं और उन्होंने युवकों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। युवकों ने इस पथराव का कारण पूछा। देवताओं ने कहा, तुमने हमें उन सब से रहित कर दिया जो कल तक हमारा था। अब युवकों ने स्पष्ट किया कि उन सब से वंचित रहने का मूल कारण उनकी बढ़ती उम्र, ढलती शक्ति आदि ने किया है, हमने नहीं। फिर भी हम तुम्हें सम्मान दे रहे हैं और तुम हो कि पत्थर से हमें चोट पहुंचा रहे हो, हमें अपमानित कर रहे हो। इस पर देवताओं ने पहले से तैयार अपना फैसला सुना दिया कि जिन राहों पर हम चले थे उन पर युवक न चले। जो हमारा भोज्य था वह युवक नहीं खाएंगे तथा झंडे भी हमारे ही फहराए जाएंगे, युवकों के नहीं। आप समझ ही रहे होंगे कि झंडे से यहाँ तात्पर्य अपना सिद्धांत, अपना मत और अपना वर्चस्व है। नए युग के युवकों ने देवताओं का फैसला मानने से इनकार कर दिया, जिस पर कुपित हो देवताओं ने उन्हें पत्थर मारने शुरू कर दिए। और जैसे कि उम्मीद थी, एक युवक ने आव देखा न ताव, पीपल के पेड़ पर फहरा रहे देवताओं के झंडों को ही फाड़ कर फेंक दिया। दोनों ओर से हमले होने लगे और जब एक राहगीर ने दूसरे से मामला पूछा, जवाब आया, यह लड़ाई नहीं है बल्कि दो पीढ़ियों के बीच कलागत मूल्यों पर बहस हो रही है। कलागत मूल्य एक व्यंग्योक्ति है। बरसों तक कला को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं लेकिन उनके निश्चित उत्तर आज भी नहीं मिल पाए हैं। ऐसी ही पुरानी और नई पीढ़ी के बीच यह बहस सदा जारी है। इसके जरिए परसाई जी भी उन बहसों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो व्यर्थ में केवल विरोध के लिए की जाती है, उनसे समाज को हासिल कुछ नहीं हो पाता। यह था इस व्यंग्य रचना का कथ्य। यह पीढ़ियों के संघर्ष को उजागर करता है। नई पीढ़ी को दायित्वहीन कहने वाली पुरानी पीढ़ी दरअसल नए लोगों पर दायित्व सौंपना ही नहीं चाहती। उसे भय रहता है कि कहीं हमारे वर्चस्व को समाप्त करके नई पीढ़ी अपना वर्चस्व स्थापित न कर ले। हम समझ सकते हैं कि पुरानी पीढ़ी की यह लालसा और झूठा भय किस प्रकार समाज की युवा पीढ़ी के विकास, उसकी स्वतंत्रता और सुख समृद्धि को प्रभावित करती है। जिस समाज में ऐसी पुरानी पीढ़ी होगी उस समाज के युवक कुंठित, आत्मविश्वास विहीन तथा अकेलेपन से ग्रस्त होकर समाज विरोधी होंगे। शीर्षक की सार्थकता। इस व्यंग का शीर्षक है पीढ़ियां और गिट्टियां। पीढ़ियां वय, उम्र और अनुभव के भेद को दर्शाती है। पुरानी पीढ़ी के अंतर्गत वृद्ध माता पिता, गुरु आदि आते हैं तथा नई पीढ़ी के अंतर्गत युवा, शिष्य, पुत्र आदि आते हैं। हर पीढ़ी की अपनी अलग सोच होती है जो पीढ़ी के बदलते ही नया रूप ग्रहण कर लेती है। प्रायः पीढ़ी का यह क्रम 12 से 16 वर्षों में बदल जाता है क्योंकि लगभग इतने समय में ही छोटे बच्चे युवक बन जाते हैं। गिट्टिया होती है ढेल, छोटे छोटे पत्थर या इसी प्रकार का कोई अन्य तत्व। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को गिट्टिया मारती है, पत्थर मारती है अर्थात प्रताड़ित करती है।
नई पुरानी पीढ़ियों में कोई भी अपने को दूसरों से नीचा नहीं देखना चाहता, इसलिए दोनों में संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष प्रायः विचार सोच मत के धरातल पर होता है। लेखक ने संकेत से इसे गिट्टिया कहा है। अपने विचारों को दूसरों पर लादने के कारण इस रचना का यह शीर्षक पीढ़िया और गिट्टिया सार्थक लगता है। पाठगत प्रश्न 17.2। सही विकल्प चुनकर पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, वृद्ध तरुणों को पत्थर मार रहे थे क्योंकि क, तरुण उनकी पूजा करते थे। ख, वे उन सड़कों पर चल रहे थे जो वृद्धों की थी। ग, वे मान रहे थे कि इन्हें सुविधाओं से वंचित किया गया है। घ, उन्हें पूजा नहीं चाहिए थी। इसका सही उत्तर है ग, वे मान रहे थे कि इन्हें सुविधाओं से वंचित किया गया है। दो, जो वृद्ध मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया था। क, उसी ने युवकों पर पत्थर फेंका। ख, वह सबसे अधिक सुविधाएं चाहता था। ग, वह युवकों से सहानुभूति रखता था। घ, फिर से आकर वृद्धों के साथ मिल गया। इसका सही उत्तर है ग, वह युवकों से सहानुभूति रखता था। तीन, पीढ़िया और गिट्टिया शीर्षक व्यंग्य रचना के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। चार, इस रचना में नई पीढ़ी के लोगों ने पुरानी पीढ़ी के लोगों को कहां स्थापित कर दिया? इसका उत्तर है मंदिर में। 17.5, भाषा शैली। पीढ़िया और गिट्टिया हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य रचना है। पहले आप पढ़ चुके हैं कि व्यंग्य किसे कहते हैं। जी हाँ, किसी भी बात को सीधे सीधे न कहकर उचित शब्दों और मुहावरों का उलट पुलट और चमत्कृत प्रयोग ही बात में व्यंग्य पैदा करता है। पीढ़िया और गिट्टिया नामक व्यंग्य एक ओर तो वृद्धों की बढ़ती उम्र परंतु मन में दबी इच्छाओं को उद्घाटित करता है, तो दूसरी ओर अगली पीढ़ी के तरुण और युवा जो वृद्धों द्वारा जीवन की सुविधाओं और साधनों पर रोक टोक से परेशान थे, उनकी मनस्थिति को बताता है। दोनों पीढ़ियों के बीच इस वर्चस्व को लेकर संघर्ष होता है। पूरा व्यंग्य आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। इसमें वाक्य छोटे छोटे हैं जो संवाद के रूप में लिखे गए हैं। ये संवाद विषय के अनुरूप और सटीक है। कहीं कहीं तो लेखक ने हाजिर जवाबी का परिचय दिया है, उदाहरण के लिए, और हमारे भोग का क्या होगा, हम आपके भोग का भी प्रबंध करेंगे, रोज हम पकवानों के थाल लेकर आएंगे, हमें श्रद्धा भी तो चाहिए, उसका क्या प्रबंध होगा, हम रोज आपकी आरती करेंगे और आपके चरणों पर मस्तक रखेंगे। व्यंग की भाषा की यह विशेषता होती है कि देखने में तो शब्द और वाक्य संरचना बिल्कुल स्पष्ट और सीधी सादी होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से वह बहुत गहरी और गंभीर बात की ओर संकेत करती है। जैसे पाठ के शुरू में ही फिर से पढ़िए, साहित्य के वयोवृद्ध थकित हुए, वे लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते, मोटा चश्मा लगाकर चांद देखते, निमोनिया की दवा जेब में रखकर बगीचे में घूमते, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाकर संगीत सभा में बैठते, भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूर्ण खाते। पहला वाक्य बताता है कि आगे लिखी सभी बातें साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत वयोवृद्ध और जीवन से थके व्यक्तियों के लिए लिखी गई है, और उसके बाद का एक एक वाक्य व्यंग्य में लिखा गया है। अर्थात वाक्य तो सीधे हैं, परंतु वे अर्थ कुछ और ही देते हैं। जैसे मोटा चश्मा लगाकर चांद देखते में कहने का तात्पर्य है कि उन वृद्धों को कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर भी इच्छा चांद को देखने की है। इसी प्रकार बगीचे में घूमना उन्हें इतना पसंद है कि वे ठंड में भी घूमते हैं, परंतु कहीं निमोनिया ना हो जाए इस डर से हमेशा दवाइयां भी खाते रहते हैं। संगीत सभा में जाना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे वे उसे यंत्र लगाकर ही क्यों न सुने। उनकी चूर्ण खाने की मात्रा भोजन से अधिक होती है, यानी कि भोजन पचाने के लिए भोजन से अधिक चूर्ण खाने पर मजबूर है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जितना उन्हें भोगना था भोग चुके हैं, पर अब भी तमन्ना है हर चीज को और अधिक भोगने की। संतुष्टि कहीं भी नहीं है। आगे भी इस प्रकार के वाक्य है, ध्यान दीजिए, हमारे अर्थ का क्या होगा, आपकी रॉयल्टी हम मंदिर में ही पहुंचा दिया करेंगे, आपको हम हर पाठ्य पुस्तक में रखवाएंगे और जो प्रकाशक धन देने में आनाकानी करेगा उसे ठीक करेंगे। ये सभी बातें वृद्ध साहित्यकारों पर कटाक्ष करती है। साहित्यकार सदैव रॉयल्टी के लिए परेशान रहते हैं, पाठ्य पुस्तकों में अपनी रचनाएं रखवाने के लिए हाहा खाते हैं,
प्रकाशकों से हमेशा परेशान रहते हैं और विशेष रूप से आप ठीक करेंगे शब्द पर ध्यान दीजिए। यह पूरी बात से स्पष्ट होता है कि यहाँ ठीक करेंगे का अर्थ है डंडे के बल पर प्रकाशक से रॉयल्टी आपके लिए ले आया करेंगे, यानी कि तरुण विधवा के लिए एक बहुत बड़ा काम करके देंगे जो उनके बस की बात नहीं है। लेखक ने एक स्थान पर कहा है, स्मरणीयो सुनाम अधन्यो। यह संबोधन वाचक है। हिंदी भाषा में संबोधन का प्रयोग करते समय अक्सर लोग एक बिंदी और लगा देते हैं, जैसे प्रिय मित्रों, जो गलत है। सदैव प्रिय मित्रों, प्रिय बहनों का ही प्रयोग करना उचित है, जो भाषाई दृष्टि से शुद्ध है। आगे वाक्य पर ध्यान दीजिए। युवकों ने एक दिन समारोह पूर्वक वयोवृद्ध को देवता बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया, तब उनका ध्यान तरुणों पर गया। सड़कों पर घूम रहे होंगे। इन काले उभरे शब्दों में मात्रा के साथ बिंदी भी लगी है और यहाँ इन सभी का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया है। लेखक ने पूरे पाठ में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि व्यंग्यात्मक शैली किसे कहते हैं। जी हाँ, व्यंग्यपूर्ण अंदाज में किसी बात को कहना ही व्यंग्यात्मक शैली होती है।